नमस्कार, मैं गीतांजलि फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो ओ वुमनिया में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आपके फेवरेट स्टारों की निजी जिंदगी के बारे में कि वे अपनी निजी जिंदगी में क्या कुछ करते हैं और उन्हें क्या पसंद है। आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है अपने स्टारों के बारे में जानने का, तो आइए हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते और शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता दिनेश लाल यादव निरुआ की, जो दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। अपने अभिनय के दम पर उन्होंने फिल्मों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। दिनेश एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक लाजवाब गायक भी हैं, जिन्होंने अपनी गायकी से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। 39 वर्ष के दिनेश का जन्म 2 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कुमार यादव है जो कि किसान है, तो वहीं उनकी माता का नाम किसी को पता नहीं है। दिनेश की 3 बहनें और उनके 2 भाई हैं, जिनका नाम विजयलाल यादव और प्रवेश लाल यादव है, जिनमें से विजयलाल यादव पेशे से अभिनेता और कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। दिनेश ने अपने स्कूल की पढ़ाई गाजीपुर के एक स्कूल से ही की थी, तो वहीं उनका कॉलेज मल्लिकापुर कॉलेज से पूरा हुआ। दिनेश लाल यादव ने अपनी गायकी से भोजपुरी संगीत की दुनिया में कई बदलाव भी किए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सुपरस्टार निरुआ को क्या पसंद है। दिनेश लाल यादव के पसंद नापसंद की बात करें तो खाने में उन्हें देसी बिहारी खाना बेहद ही पसंद है और वह लिट्टी चोखा खाने के बेहद शौकीन भी हैं। वह ज्यादातर घर का खाना ही खाते नजर आते हैं। दिनेश को डांस करना बेहद ही पसंद है और यही कारण है कि वे साल 2010 में आए डांस शो डांस संग्राम का भी हिस्सा रहे। वह अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बहुत बड़े फैन भी हैं और उन्हें साल 2012 में आई फिल्म गंगा देवी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका भी मिला। उनके पसंदीदा क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं और साथ ही उन्हें क्रिकेट खेलने का ही बेहद शौक है। दिनेश को गाने सुनने का भी शौक है, तो वहीं उन्हें घूमना फिरना भी अच्छा लगता है। वे अपने काम को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो हम बात करते हैं अपनी मोनालिसा की। मोनालिसा, जिसका असली नाम अंतरा विश्वास है, लेकिन उन्हें मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। मोनालिसा भोजपुरी फिल्मों की सबसे हॉट और सेक्सी हीरोइनों के रूप में जानी जाती हैं। उनके बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज की वजह से उनकी अपनी एक अलग पहचान है। अपनी अदाओं से दर्शकों को दीवाना बना देने वाली मोनालिसा भोजपुरी सिनेमा की एक सुपरहिट हीरोइन है। मोनालिसा का नाम सुर्खियों में इसलिए है कि वह इस बार बिग बॉस 10 में बतौर सेलिब्रिटी प्रतिभागी आई है। मोनालिसा ने 50 से भी अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही वे हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। मोनालिसा एक बंगाली हिंदू हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इनका नाम अंतरा विश्वास था। फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम मोनालिसा रख लिया। मोनालिसा की एक बार शादी मगन से हुई थी, जिनसे उनका डिवोर्स हो गया है। इसके बाद अभी कहते हैं कि मोनालिसा का भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ संबंध है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोनालिसा को क्या पसंद है। मोनालिसा की पसंद की बात करें तो मोनालिसा शाहरुख खान और माधुरी की फैन है। अगर हम उनकी हॉबी की बात करें तो उन्हें डांस का बचपन से ही शौक है और वे एक बेहतरीन डांसर भी हैं, जिसका नजारा हमें फिल्मों में देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा इनको फोटोग्राफी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी रुचि है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी अक्षरा की। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री है, जिनका जन्म 30 अगस्त 1992 मुंबई शहर में हुआ था। वह भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी टेलीविजन में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें वहाँ शोहरत ना मिल सकी। अक्षरा ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म सत्यमेव जयते से की थी, जिसने उन्हें रातों रात सितारा बना दिया। अक्षरा अब तक 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से है। यह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल है। अक्षरा सिंह दिखने में जितनी हॉट और सेक्सी है, उससे कई ज्यादा वे साफ दिल की भी हैं। ये ज्यादातर भोजपुरी भाषाओं की फिल्मों में ही काम करती हैं। अगर हम अक्षरा की पसंद की बात करें तो उन्हें खाने में पानी पूरी और आलू चाट बहुत ही पसंद है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्हें बताया कि जब भी उन्हें पटना जाने का मौका मिलता है तो वह पानी पूरी और आलू चाट जरूर खाती हैं, और उन्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलना ही बहुत पसंद है। साथ ही साथ अक्षरा को गायकी और डांस का भी शौक है। अक्षरा की गायकी का जादू तो हम सब देख ही चुके हैं। अब आते हैं हमारी सुपर डुपर हिट हीरोइन रानी चटर्जी पर। रानी चटर्जी भारतीय फिल्म अभिनेत्री, डांसर और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1989 को मुंबई शहर महाराष्ट्र में हुआ था।
रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एक सफल अभिनेत्री बना चुकी हैं। इन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यू भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला 2004 से किया था। इस फिल्म के बाद ये काफी फेमस हो गई थी। रानी चटर्जी को 6 बार भोजपुरी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिल चुका है। अब रानी की पसंद पर आए तो रानी चटर्जी की पसंदीदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हैं। इन्हें रंग में लाल, काला और नीला रंग पसंद है। एथलीट में रानी चटर्जी को मारिया शारापोवा, सानिया मिर्जा, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर पसंद है। रानी चटर्जी के पसंदीदा गायक जस्टिन बीबर, श्रेया घोषाल, आतिफ असलम, एआर रहमान और इन्हें डांस करना और गाने सुनना भी बेहद ही पसंद है। नेक्स्ट 9 न्यूज से गीतांजलि की रिपोर्ट। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को अपने स्टारों के बारे में जानकर? और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ढेर सारे कमेंट और लाइक कीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी हमारे अगले कार्यक्रम में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।